बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए देखिए कि मैं आज किस तरह से ये मज़ेदार सी चिकन स्टीम बनाऊंगी और बिल्कुल लाइट वेट और लो कैलोरीज में ये बनेगी। तो इसको बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले एक आलू ले लें और उसके स्लाइस काट लें। इसके बाद चिकन लेग थाई ले लें और उसके कट लगा लें। अब इसमें सबसे पहले एक लेमन लें और उसको स्क्वीज़ करें। एक पूरा नींबू जो है उसको निचोड़ लें अच्छे से। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट लगाएं दोनों साइड्स पर। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट और सूखा धनिया का पाउडर जो है वो लगाया था। तो धनिया पाउडर लगाएंगे इस पर दोनों साइड्स पर अच्छे से, और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे आलू के साथ। इसके बाद एक पैन में दो ग्लास पानी डाल के उसे स्टीम कर लें, यानी बॉईल कर लें। और बॉईल करने के बाद एक स्ट्रेनर ले लें और इस तरह से उसके ऊपर आलू के स्लाइस और चिकन को रख दें। अब हम कवर करके इसको पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट्स के लिए इसको पहले कवर करेंगे एक साइड से, क्योंकि चिकन अच्छे से टेंडर हो तो वो अच्छा रहता है। और जो जूस है लेमन का वो ऊपर डाल दें। ये तो 15 मिनट्स के बाद चिकन की साइड को चेंज किया है और इस तरह से पोटैटो स्लाइस की साइड्स को भी अप डाउन किया है। तो अब इन्हें दोबारा से कवर करके रख दें अनदर 15 मिनट्स, या जब तक कि ये टेंडर हो जाए। तो मेरी चिकन टेंडर हो गई थी और पोटैटोस भी बहुत अच्छे से स्टीम हुए थे। सो बस अब एक प्लेटर ले लें या प्लेट इस तरह से, उसमें क्यूकम्बर सैलड, लेमन और इसके साथ आप पोटैटो स्लाइस रखें और चिकन का पीस रख लें। तो ये थी आसान और मज़ेदार चिकन स्टीम लो कैलोरीज लो फैट रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके साथ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी मिस ना हो। और इस सब के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात इंशाल्लाह आप सबके साथ एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।